आज के समय में नॉर्मल बातें क्या है? मैस्टरबेशन सबसे ज्यादा नॉर्मल। और एक चीज और नॉर्मल है, क्या? बहुत बुरी आदत जिसको आप धूम्रपान कहते हैं। धूम्रपान में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें ज़्यादातर तो लोग अल्कोहल का सेवन करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक टल्ली रहते हैं, और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने करियर को सच में बनाना चाहते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, 75% स्टूडेंट इस समय मैस्टरबेट कर रहे हैं। 75% स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। सोचो, वही लड़का जो रात दिन पढ़ रहा है, PCS की तैयारी कर रहा है, किसी अधिकारी की तैयारी कर रहा है, कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, SI बनने की तैयारी कर रहा है, मतलब जॉब की तलाश में वो है, वो अच्छा नागरिक बनना चाहता है समाज की नज़र में, कि उसको कोई अच्छी जॉब लग जाए और वो समाज की नज़र में बहुत अच्छा व्यक्ति कहलाना शुरू हो जाए। लेकिन धीरे धीरे वो अपने ही हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। इसके बारे में उसे बिल्कुल भनक ही नहीं है दोस्त, ये बहुत बड़ा सच है। अगर ये बहुत बड़ा सच है तो इसी चीज़ पे मुझे एक चीज़ चाहिए, वीडियो पे लाइक करना। अगर मेरी बातों में थोड़ा सा भी वचन लगा है तो तुरंत लाइक कर दो वीडियो पे, दो सच बता रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो मैस्टरबेशन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं करना नॉर्मल होता है, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नॉर्मल नहीं होता, इससे तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएँ शरीर में पनपनी शुरू हो जाती हैं, है ना मेरे दोस्त? तो देखो अलग अलग तरह से लोग सोचते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सीधा तुमको। अगर आप स्टूडेंट हो, मैं ऐसे लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो कि आंकड़ा बहुत ज्यादा है, आंकड़ा 75% स्टूडेंट्स का है जो पढ़ाई करते हैं, जिनको करियर बनाना है, भी लाइफ में कुछ करके दिखाना है, और भविष्य में उनके सामने एक लड़की भी आएगी, एक ऐसी स्त्री जिसको जीवन में साथ लेके चलना है, वंश को आगे बढ़ाना है। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ, ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो सुबह से टल्ली हो जाते हैं, शाम तक फिर आके घर पे सो जाते हैं, घर पे पता नहीं खाना ठीक से उनका परिवार खा रहा है कि नहीं खा रहा है, इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बस उनको शराब चाहिए, टल्ली होना है तो होना है। ऐसे लोगों को मैं नहीं सिखा पाऊँगा, ना मेरे पास उतना ज्ञान है, क्योंकि ऐसे लोग मुझे खुद सिखाना शुरू कर देंगे। और ऐसे लोगों को भी मैं नहीं सिखा रहा हूँ जो दिन में 8-8 बार, 6-6 बार, 4-4 बार मैस्टरबेट करते हैं और 6 सालों से मैस्टरबेशन करते हुए आए हैं, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे को गाली देते हैं जब मैं कहता हूं भाई मैस्टरबेशन करना बहुत गलत है, मुझे वो गाली देते हैं। ऐसी सी गाली आप कमेंट में पढ़ोगे ना तो आपको शर्म आ जाएगी, ऐसा लगता है कि जैसे मैं कहीं का नचनिया पदनिया हूं का यार। अरे एक अच्छी बात बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ऊपर से गाली पड़ रही है। यही समाज है मेरे दोस्त, मैं सच बता रहा हूं। जब आप अच्छी चीजें बताओगे तो लोग ऐसे इग्नोर करेंगे, भाग ससुरा पागल है एकदम का यार, इसके पास कुछ ज्ञान ही नहीं है। लेकिन अभी मदारी दिखाने लगो, नाचने गाने लगो, कसम से बता रहा हूं, कुछ उटांग पटांग वाली चीजें करने लगो तो आधे से ज्यादा लोग आपकी सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगा, आप इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या फिर यूट्यूब पे हो, कहीं पर भी आप देखो, जो लोग नौटंकी करते हैं, कॉमेडी करते हैं, एंटरटेन करवाते हैं, उनके फॉलोअर्स कितनी संख्या में? करोड़ों में है भाई साहब, करोड़ों में। और जो लोग ज्ञान भरी बातें करते हैं, एजुकेशनल बातें करते हैं, शायद 2-4 लोगों को छोड़कर मैं बात बता रहा हूँ, उनके करोड़ों में फॉलोअर नहीं है। 2-4 लोगों की बात मैं छोड़ रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, यही बहुत बड़ा हकीकत है। तो अब आपके यही सवाल हो रहेंगे, दिनेश भाई आपकी बात मुझे समझ में आ गई, मैं मैस्टरबेशन नहीं करूँगा, पर इसको छोड़ना कैसे? ब्रह्मचर्य का नाम सुने हो? ब्रह्मचर्य क्या है? नहीं सुने हो ना तो लिंक दे दूंगा वीडियो का 2-3 डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेना, फिर मेरी इसी चैनल पे अच्छे से विजिट करना और ध्यान से एक एक वीडियो को देखना, आप समझ जाओगे ब्रह्मचर्य होता क्या है। एक ऐसा चर्य, एक ऐसा ब्रह्मचर्य होता है मेरे दोस्त ना, जिसको करने के बाद जीवन ही नहीं पूरा जिंदगी बदल जाएगी मेरे दोस्त, परिवार ही नहीं पूरा पारिवारिक माहौल बदल जाएगा। मैं सब कुछ बता रहा हूँ, बात करने का तरीका ही नहीं दोस्त, आपकी ज़िंदगी, अपने दिल का जज्बात बदल जाएगा। एक ऐसा ब्रह्मचर्य होता है, एक बार करके देखो यार, कुछ नहीं करना होता इसमें, बस खाने पीने का रूटीन बदलना होता है, सोने बैठने का रूटीन बदलना होता है, बात करने का रूटीन बदलना होता है, कुछ बैड हैबिट्स के जिसके शिकार हो गए हो उसका हैबिट्स बदलना होता है, बस यही तो प्रक्रिया है। और 6 महीने अगर कंटिन्यू कर लिया भाई तो कमाल करके दिखा देगा, मैं वादा करता हूँ। बस एक बार मेरी बात मानकर करके देख लेना मेरे दोस्त। अगर वीडियो सच में जबरदस्त मोटिवेट की है आपको तो वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए होना है दोस्त, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना। मिलेंगे जल्दी किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय।